बॉलीवुड को बख्शा, न शाहरुख खान को छोड़ा, न उनके फिल्म पठान का विरोध करने से चूके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही कथावाचक हैं, श्रद्धालुओं को राम कथा सुनाते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर बोलने से भी नहीं चूकते, चाहे वो बॉलीवुड का मसला ही क्यों ना हो। शाहरुख खान के फिल्म पर उठे विवाद को लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा भी तंज कसने से पीछे नहीं रहे। दरअसल अपनी फिल्म पठान की रिलीज से कुछ समय पहले शाहरुख खान इस्लामी तीर्थ यात्रा उमराह करने के मक्का गए थे। वतन वापस लौटे तो हिंदू धर्म स्थल वैष्णो देवी के दर पर भी मत्था टेका। बागेश्वर बाबा इस पूरे मसले पर तंज कसने से पीछे नहीं रहे। तो धर्म, अध्यात्म, राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक बाबा के आक्रामक बयानों की रेंज काफी लंबी है। हाँ, लेकिन फिल्मों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ज्यादा ही तल्ख लहजे में बोल रहे हैं। बीते साल 8वें खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में तो उन्होंने फिल्म निर्माताओं को चेतावनी भी दे डाली थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बागेश्वर धाम वाले बाबा को फिल्मों और फिल्म वालों से दिक्कत क्या है।